मित्रों नमस्कार, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल वेस्ट वोकैबलरी। एडिटोरियल वेस्ट वोकैबलरी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज फिर 17th ऑफ फेब का हिंदू एनालिसिस का जो हमारे पास वर्ड्स है उसे हम प्रेजेंट करते हैं आप सभी के लिए। टुडे इट्स 17th फेब एंड लेट्स कैरी ऑन आवर जर्नी। आई वुड रिक्वेस्ट माई टेक्निकल टीम टू हैव न्यू स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, ओके, यस फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड हमारे सामने है, दैट इज स्प्लेंडिड, है ना। तो स्प्लेंडिड से तात्पर्य होता है शानदार, जबरदस्त, भव्य, ठीक है। शानदार कहें आप, जबरदस्त कहें, भव्य कहें, भव्योत्तम कह सकते हैं आप, उत्कृष्ट कह सकते हैं, स्प्लेंडिड। सिनोनिम्स की बात करते हैं, मैग्निफिसेंट, स्पेक्टुलर है, ठीक है, सुपर्ब है, स्प्लेंडिड कहिए आप, स्टर्निंग कह सकते हैं, इलस्ट्रियस कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं, स्पैंकिंग, मैसिव, एक्सटेंसिव, ग्लैमरस, ओके। लेट्स हैव एंटोनिम्स। दिस इज क्रूडनेस, इन एलिगेंस, ठीक है। उत्कृष्ट है, उसके अगेंस्ट में क्या हो जाएगा, मतलब बदतर, आप बदतर कह सकते हैं, उसके बाद फिर आप निकृष्ट कह सकते हैं एक तरह से, है ना। तो एंटोनिम्स में इसका ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा। चलिए तो एग्जाम्पल में यूज कर लेते हैं। रियली दिस वॉज अ स्प्लेंडिड मोमेंट फॉर मोहन। वास्तव में मोहन के लिए शानदार क्षण था, शानदार, अद्भुत, जबरदस्त क्षण था, ठीक है, ओके। लेट्स हैव नेक्स्ट वोकैब। अगली वोकैब है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी होता है आत्मसंयम, तपस्या, कठोरता। ऑस्टेरिटी का हिंदी हो गया आत्मसंयम, अपने आप में नियंत्रण, तपस्या, कठोरता। सिनोनिम्स की बात करते हैं, एसेविटी है, एस्पेरिटी है, फॉर्मेलिटी है, पेनेंस है, मोर्टिफिकेशन है, डिसिप्लिन है, टेम्परेंस है, रिजर्व है, स्टोइसिज्म है, सेल्फ रेस्टेंट। एंड लेट्स कम टू एंटोनिम्स। दिस इज इनफॉर्मेलिटी, मिल्डनेस, ठीक है। देखो एक साथ हमने किसका, हमारे पास एक वर्ड है सामने स्क्रीन पे ये, और इसके साथ देखो हमने कितने सिनोनिम्स लर्न कर लिए। हमने इसके साथ 10 सिनोनिम्स लर्न किए और साथ ही दो एंटोनिम्स, इट मीन्स 13 वर्ड्स। अब देखो बिल्कुल एक क्षण में, है ना, एक मतलब पल भर में हमने 13 वर्ड्स को एक साथ कंप्लीट कर लिया। इसी को कैरी ऑन करना है, इसी को हमें आगे बनाए रखना है। चलिए अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। दिस इज वर्बियज। वर्बियज क्या होता है, शब्द आडम्बर, शब्द का आडम्बर, या कहें कि शब्द बाहुल्य। यहाँ पे हमारी जो कंटेंट की टीम है उनसे थोड़ी मतलब मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर सकते हैं, कि शब्द बाहुल्य है, है ना। शब्द में क्या है, जो बहुलता आ जाती है उसे कहते हैं शब्द बाहुल्य, है ना, शब्द बाहुल्य है। इसका सही से उच्चारण कर लेंगे स्टूडेंट्स। सिनोनिम्स पर आ जाते हैं। दिस इज सर्कमलोक्यूशन, लोकेसिटी, रिपिटिशन, वर्बोसिटी, बॉम्बास्ट, ठीक है, शब्दारंभ, शब्द बाहुल्य। एंटोनिम्स आते हैं कंसाइनेस, ब्रेविटी। अब देखो कहीं शब्दा नंबर है तो कहीं क्या होगा, संक्षिप्तता होगा, मतलब एक तरह से संक्षिप्त किया हुआ, तो कंसाइनेस उसी को बोलते हैं, ब्रेविटी उसी को बोलते हैं। एग्जांपल में देखते हैं, द बेस हियर डिस्पाइट ऑल द वर्बेज वर्बेज इज यूनिक। शब्दा नंबरों के बावजूद यहाँ का आधार जो है अद्भुत है, है ना। चलो लेट्स हैव न्यू स्लाइड। दिस इज आर्टिफिस। आपको आर्टिफिस क्या होता है, आर्टिफिस न्यू वर्ड फॉर यू। दिस इज, इट मीन्स चालाकी, युक्ति, धूर्तता, छल, धोखा। आर्टिफिस से तात्पर्य है। सिनोनिम्स की बात करो, मैन्यूवर, है ना, जिमिक, फिनिश है, ठीक है, आर्टिफिस फिनिश हो गया ये, ठीक है, आर्टिफिस, सबटलिटी, डिसीट, रैकेट, डिवाइस, स्पेक, टैक्टिक, टैक्टिक्स और कंट्राइवेंस, है ना, कंट्राइवेंस है ये। एंटोनिम्स की बात करते हैं, कैंडर, कैंडर हो गया, और साथ ही ऑनेस्टी। लेट्स कम टू एग्जांपल। दी टाइप्स ऑफ पीपल आर फुल ऑफ आर्टिफिस। इस तरह के लोग धूर्तता से भरे होते हैं, चालाकी से भरे होते हैं, है ना। वो चालाकी है, एक तरह से चालाकी को आप पॉजिटिव टर्म में यूज कर सकते हो, बट वो चालाकी जो है जब किसी दूसरे को कष्ट देती है तो
उस चालाकी को हम युक्ति धूर्तता कहते हैं, युक्ति नहीं कहते, छल कहते हैं। तो चालाकी की एक लिमिटेशन होती है, जो सामान्य सज्जन वर्ग हैं वे चालाकी को एक बना के रखते हैं, उसकी लिमिटेशन को बना के, उसकी सीमा को बना के रखते हैं, उसे सीमा में बांध के रखते हैं। लेट्स है पैलो। पैलो क्या होता है? विवर्णता, फीकापन, धुंधलापन कहें। ठीक है, आप देखो विवर्णता क्या है, पैलोड है से विवर्णता, विवर्णता हो गया अगर से जब मतलब वर्ण से जो धुंध मतलब अस्पष्टता नहीं होगा, फीकापन होगा उसमें, धुंधलापन होगा पैलोड का। सिनोनिम्स की बात करते हैं इसके, कलरलेसनेस है ना, जो रंगहीनता कहिए आप, ठीक है, एट्यूलेशन कहिए, पैलोर कहिए, पैलिडनेस, इंसिपिडिटी, ठीक है, इंसिपाइडनेस, टार्निस, डिमनेस, ठीक है। सिनोनिम्स देखो इतने सारे हो गए इसके, देर आर 8 सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड, वी हैव वर्ड पैलोर। ओके, एंटोनिम्स की बात करते हैं, कलरफुलनेस, ठीक है, मतलब जिसमें जो रंग से भरा हो, ब्राइटनेस, चमकीला। एग्जाम्पल पे आते हैं, दिस इज ब्राइट पैलो ऑफ हिज फेस वॉज क्लियरली अपीयरिंग। देखो ब्राइट पैलो क्या हुआ, एक तरह से उभरता हुआ जो रंग विहीनता है, रंग विवर्णता है उसके चेहरे का, जो बिल्कुल अस्पष्ट दिख रहा था। ठीक है, तो चलिए आज हमने 5 वर्ड्स कंप्लीट किए, और डेली इसी तरह हम 5 to 6-7 वर्ड्स ऐसे डेली नित्य प्रतिदिन आपके लिए लेके आते रहेंगे, जो कि आपकी इंग्लिश को एक आकार देने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।